हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक एंड टाइप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल के लिए अच्छे से बैनर किस एप्लीकेशन को यूज़ कर और कैसे बना सकते हो। मैं एक अच्छे से आपको आइडिया मैं देने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बैनर, तो दोस्तों ये है आपका बैनर। सो अगर दोस्तों आपको ये पता नहीं कि आप अपने चैनल के लिए एक अच्छे से लोगो कैसे बनाए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हो। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन के लिंक भी है दोस्तों, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इसका नाम है पिक्सल है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, बड़े बड़े यूट्यूबर दोस्तों जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका फीचर, इसमें बहुत सारे फीचर है और अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। सो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी दोस्तों इसको आप जान पाओगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको मैं आइडियाज देने वाला हूँ, ताकि आप अपने क्रिएटिविटी लगाकर और भी अच्छे से दोस्तों इसको बना पाए। सो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे फोन के डिस्प्ले पर। सो दोस्तों, यहाँ से मैं आ चुका हूँ मेरे फोन के डिस्प्ले पर। सबसे पहले तो मैं इसको कर दूंगा रोटेट, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। सो दोस्तों, मेरा ये फोन हो चुका है रोटेट। ओके, तो यहाँ आपको सबसे पहले दिख रहा होगा 3 डॉट। ओके, तो यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना होगा इमेज साइज में कस्टम रहा है दोस्तों, कस्टम में आपको क्लिक कर आपको करना है यहाँ से ओके यूट्यूब चैनल बैनर। सो दोस्तों, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो उसको करते हैं हम ओके। अब ये आ चुका है इस तरह। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसको बैकग्राउंड को हमें ले लेना है। ओके, तो आपको क्या बैकग्राउंड रखना है वो हिसाब से, बट दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी कुछ है, तो फ्रॉम गैलरी तो हम जाएंगे। मेरे पास दोस्तों बैनर का जो है वो फॉर्मेट, एक डिज़ाइन जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको भी दे दूंगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन पर, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर देना। ओके, PNG मेरे पास है। तो दोस्तों, यहाँ से हम चले जाएंगे अपने फाइल पर, और जहाँ पर हमने रखा है उसको हम सबसे पहले तो ले लेंगे हमारे बैकग्राउंड में हमें जो रखना है। सो यहाँ से दोस्तों, मेरे पास एक PNG ऑलरेडी है बैकग्राउंड का, तो मैं इसको ले लेता हूँ दोस्तों, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा आपको लेना, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट आपको एक फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। आपको उसके लिए यहाँ ऊपर प्लस में दबाकर आपको फ्रॉम गैलरी में जाकर आपको वो फॉर्मेट को ले लेना है। तो दोस्तों, उसका भी मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से आप जब बैकग्राउंड बनाओगे तो दोस्तों आपका एक्यूरेट जो है वो फिट होगा, ठीक है, नहीं तो दोस्तों बहुत प्रॉब्लम जो आपको वो देगा। सो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले इसको हम एक्यूरेट मिलाएंगे। सो हम बैक साइड को देखकर हम यहाँ से देखिए इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके, ये हो चुका है। तो दोस्तों, ऊपर देखिए एरो में हम क्लिक कर इसको हम करेंगे लॉक। दोस्तों, लॉक करने से क्या होगा कि हमें एडिट करने में हमें थोड़ा इजी रहता है। अगर दोस्तों आपको दोबारा इसको दोस्तों करना था तो लॉक खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ, ये हो चुका है। तो दोस्तों, इसको हम करेंगे लॉक। ओके दोस्तों, इसको हम लॉक करने के बाद आप देखिए दोस्तों आगे जो प्रोसेस होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें टेक्स्ट देंगे। ओके, टेक्स्ट में इमेज अगर एडिट करके टेक्स्ट में हम सबसे पहले तो हमारे चैनल का जो नाम है दोस्तों उसको हम लिख देते हैं यहाँ से। ओके, उससे पहले दोस्तों यहाँ हम एक इंट्रो लिखेंगे वेलकम। सो दोस्तों, ये देखने में थोड़ा ठीक लगता है, तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ आइडिया, तो आप अपने हिसाब से आप लगा सकते हो जो भी, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे वेलकम। अब इसको हम करेंगे एडजस्ट, इसको हम कलर चेंज करेंगे, यहाँ हम कलर में जाएंगे। सो इसको मैं रख देता हूँ रेड में। ओके, तो यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ रेड, तो ये हो चुका है। तो इसको हम करेंगे राइट, उसके बाद इसके हम फ्रंट को भी हम चेंज करेंगे, तो इसके सामने में आपको मिलेगा एक फ्रंट। ओके, तो दोस्तों यहाँ से फ्रंट बहुत सारे जो है रहता है, तो इसमें से आप मैं रख देता हूँ इसको। तो दोस्तों ठीक है, इसको कर देता हूँ ओके। तो दोस्तों, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसको फिर से इसको मैं एडिट करूँगा। सो यहाँ हम जाएंगे ऊपर, एरो में दबाकर इसके आगे और पीछे में फुल स्टॉप लगा दूंगा, ताकि ये देखने में और थोड़ा अच्छा लगे। सो दोस्तों, बस ये हो चुका है, तो डन। तो दोस्तों, इसको अब यहाँ मैं करूँगा एडजस्ट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा होगा पहला बॉक्स जो, तो इसके अंदर ही आपको बनाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसको मैं करता हूँ लॉक। अब ये कैसे दिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप आई बटन में आप दबाओगे तो वहाँ भी ये विजिबल, ये इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख कर यहाँ से विजिबल इनविजिबल कर दोस्तों आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस ठीक है, तो इसको फिर मैं विजिबल कर देता हूँ। सो दोस्तों, अब यहाँ से फिर से हम टेक्स्ट लिखेंगे हमारे चैनल के नेम जो भी आपको रखना है, या फिर आप अपने नाम भी रख सकते हो, या अपना चैनल का नाम जो भी आपको जो ठीक लगे वो हिसाब से। तो मैं यहाँ से बस आपको दिखा रहा हूँ मेरे चैनल का नेम। ओके, तो मैं इसको भी यहाँ से एडजस्ट करूँगा। सो इसको मैं यहाँ से रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं इसके कलर को चेंज करूँगा। सो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ से येल्लो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, इसके हम फ्रंट को भी चेंज करेंगे। यहाँ से मैं इसको यहाँ फिर से फ्रंट रख रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो मैं इसको ये हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा बड़ा करके। सो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा लग चुका है, ठीक है।
अब दोस्तों इसको हम क्या करना है, ठीक है दोस्तों, को यहाँ प्लस में दबाकर इसको सबसे पहले तो आपको लॉक करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद इनविजिबल कर देखेंगे कि ये दिखता है, ठीक है। सो अब हम इसको अभी नेक्स्ट जो है उसको हम करेंगे, वो आप प्लस में दबाकर फ्रॉम गैलरी में जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप अगर आप फोटो लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से फोटो लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने किसी एक फ़ोटो को मैं यहाँ से दे दूँगा, ठीक है। तो मैं किसी और चीज़ का तो मैं इसको दे दूँगा, ये PNG है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा आ चुका है, तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों ये पहला जो बॉक्स है उसके अंदर ही आपको सब रखना है, एडजस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ही दोस्तों आपका ये परफेक्ट जो है वो बनेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बैनर जो है ये इतना ही साइज़ का होता है एंड्रॉयड फ़ोन में। दोस्तों ये हमारा हो चुका है, तो इसमें मैं और एक लगा देता हूँ। ओके, यहाँ से दोस्तों इसको मैं लॉक करने के बाद प्लस में जाएंगे, फिर से गैलरी में जाकर यहाँ से हम अपने चाहे तो हम अपने हमारे जो चैनल का बैनर जो लोगो रहता है दोस्तों उसको भी हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे किसी एक दोस्त का दोस्तों यहाँ पर ये लोगो है, तो इसको मैं यहाँ से चैनल लोगो को मैं यहाँ सेट करूँगा। ओके, सर्कल दबाकर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर ये हो चुका है, तो इस हिसाब से दोस्तों चाहे तो आप अपने फ़ोटो को भी लगाकर आप कर सकते हो। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एक फ़ोटो अगर लगाना चाहते हो तो किस हिसाब से किस तरह से जो है आप लगा सकते हो। सो ये हमारा लग चुका है, इसको मैं एक बार चेक करता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों फिर से आई बटन दबाने के बाद ये इनविजिबल हो जाता है। सो दोस्तों ये आप ठीक लग रहा है ना। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो आप यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं फॉलो मी या फॉलो आस। ओके, इस तरह से आप इंस्टाग्राम का लिंक ये आप प्रोफाइल ये सब दे सकते हो। सो इसको भी मैं कलर यहाँ से चेंज कर दूँगा, इसको मैं कर दूँगा राइट। ओके, सो उसके बाद हम इसको इसके फ़ोन को भी हम यहाँ से चेक करेंगे। जो दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जल्दी इसको समझ पाओगे। ओके, सो दोस्तों इसको हम स्ट्रोक पे देंगे। स्ट्रोक देने से क्या होगा दोस्तों, आपको देखिए ये दिखने में थोड़ा ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है और ज़्यादा दोस्तों ये हमें फट से दिखाई देता है ना, देखने में थोड़ा अच्छा है। सो इसको हम अब चेंज करेंगे इसके फ़ोन को। ओके, मैं ये रख देता हूँ ये वाले फ़ोन को। तो उसके बाद इसके हम साइज को यहाँ से हम साइज इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ। तो दोस्तों आपको जूम आउट जूम इन करना है तो दोस्तों आप यहां से देखिए, यहां जूम का एक प्लस का बटन है, तो वहां दबाकर आप जूम यहां से जूम इन जूम आउट कर आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहां से उसके हम फिर से प्लस बटन में जाएंगे। ओके, और फ्रॉम गैलरी में जाकर दोस्तों यहां से अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक ओके इसका लोगो है तो आप वहां से उसको लगा सकते हो। मेरे पास फिलहाल दोस्तों नहीं है, तो मैं यहां से शॉर्ट्स का एक लेकर आपको दिखाता हूं। ओके, तो दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों हमारा बैकग्राउंड कटा नहीं हो। तो दोस्तों अगर आपको इसको बैकग्राउंड हटाना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको बीच में दबाकर ओके यहाँ पर सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक आपका आएगा यहाँ इरेजर ओके कलर, यहाँ पर दोस्तों इसको इनेबल कर आपको ये टॉलरेंस और स्मूथ इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, इस हिसाब से दोस्तों आप इस यहाँ से भी बहुत इजी से दोस्तों बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन करना है तो आप क्रोम में जाकर रिमूव बैकग्राउंड अगर दबाओगे तो वहाँ से इस तरह से एक वेबसाइट खुलेगा, वहाँ से आप ऑनलाइन से भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। या फिर दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में भी ये अवेलेबल रहता है, ये बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है दोस्तों। सो दोस्तों मैंने यहाँ लगा लिया है, तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम इंस्टा या फिर फेसबुक का लगा सकते हो। तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ हमारा हो चुका है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर मैं फिर कुछ तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इफेक्ट में लगाने वाला हूँ। सो फ्रॉम हम गैलरी में जाएंगे। ओके, गैलरी में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम थोड़ी नीचे जाने के बाद डाउनलोड पर, और यहाँ मैंने कुछ इफेक्ट दोस्तों डाउनलोड कर रखी है। तो अगर आपको चाहिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर दोस्तों आपको और भी बहुत सारे ऐसे इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कह सकते हो, मैं आपको कॉपीराइट फ्री जो वो दे दूंगा। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इफेक्ट बहुत ये अट्रैक्टिव लगता है। सो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहे तो लगा सकते हो। सो दोस्तों इसको मैं सबसे पहले तो एडजस्ट करूँगा। तो देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये फ्रंट में है ना, ये आगे है, तो देखने में थोड़ा ठीक नहीं है। तो इसको हम बैक करने के कैसे करेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन है ना, टू बैक टू फ्रंट। ओके, देखिए टू फ्रंट टू बैक, टू बैक करने से ये पीछे चला जाता है, तो ये बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों यहाँ से हम टू बैक में रख देंगे, उसके बाद इसको फिर हम कॉपी करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कॉपी एक हो चुका है, फिर इसको हम इस साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, देखिए यहाँ से कलर का इसको इनेबल कर यहाँ से आप कलर डिफरेंट डिफरेंट या रेड ब्लैक ओके बहुत सारे कलर है उसको भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब फीचर जो है इस एप्लीकेशन में आपको फ्री से मिल जाता है। सो इसको भी हम टू बैक करेंगे। सो ये टू बैक ये हो चुका है, तो ये कलर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं फिर से कलर चेंज करूँगा। ओके, कलर में जाएंगे दोस्तों, यहाँ कलर में जाकर इसको हम रेड कर देंगे। तो ओके, ये रेड तो ये थोड़ा ठीक है ना, तो इसको हम करेंगे ओके। तो दोस्तों हमारा ये लगभग हो चुका है, तो लेकिन दोस्तों हमारा जो नाम है जो हमारे वो दोस्तों ये थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो पहले सबको लॉक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा जो है इसका नाम है, इसको मैं सेलेक्ट कर
इसको मैं इसके कलर को थोड़ा मैं चेंज करूंगा। ओके, सबसे पहले इसको हम लोग को खोलना पड़ेगा। ओके, अगर आपको एडिट करना है तो दोस्तों तभी आप इसको यूज कर पाओगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके कलर को मैं कर दूंगा वाइट। सो ओके, तो मैं इसको वाइट कर दूंगा, तो ये थोड़ा ठीक है ना। तो आपको कैसा लग रहा हो कमेंट करके बताना दोस्तों। जस्ट मैं आपको बस सिखाने के लिए ही मैं बता रहा हूँ, तो आप इस हिसाब से इस आइडिया इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों हम इसको इंपोर्ट करेंगे यानी कि सेव करेंगे। तो यहाँ कस्टम देखिए दोस्तों, कस्टम में सेलेक्ट कर आपको अल्ट्रा दबाना होगा। ओके, अल्ट्रा सेलेक्ट करना क्योंकि इससे ज़्यादा आपका हाई डेफिनेशन में सेव होगा। तो सेव टू गैलरी। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये सेव हो चुका है।